तो आज मैं करूंगा थर्मल कंपैरिजन एसर नाइट्रो 5 वर्सेस लीजन 5। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा किसके थर्मल्स बेटर हैं एंड दोनों ही सेम स्पेक्स वाले लैपटॉप हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। जिन्होंने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार नीचे रेड कलर का बटन होगा, प्लीज यार प्रेस कर दो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया प्रेस। तो ये है मेरा नाइट्रो 5 एंड ये है मेरा लीजन 5। तो थर्मल टेस्टिंग करते हैं, सिरेबेंच R23 से हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। तो 10 मिनट का टेस्ट करेंगे लेकिन आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एंड लेकिन इसके अंदर जो मोड है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो लिनोवो में हमारा है लिनोवो वेंटेज, इसके अंदर दो मोड है एंड नाइट्रो में हमारा है नाइट्रो सेंस, लेकिन उसके अंदर खाली फैन के मोड है। तो लीजन में हमारे दो मोड है, एक थर्मल मोड है और सॉरी बैलेंस मोड है, एक परफॉर्मेंस मोड है। तो हम बैलेंस मोड पे रखेंगे। तो बैलेंस मोड में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक एडजस्ट द परफॉर्मेंस एंड फैन स्पीड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो ये मतलब इसकी परफॉर्मेंस मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा ये, एंड नाइट्रो पे तो कोई मोड ही नहीं है। तो दोनों के समझ लो स्टॉक परफॉर्मेंस पे ही है एंड अब स्टार्ट कर देते हैं 10 मिनट का टेस्ट। 2 मिनट बाद टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ, फिर 5 मिनट बाद के दिखाता हूँ। तो वैसे फ़ैन का मोड नाइट्रो का जो है ना नाइट्रो फैंस, वहाँ पे वो ऑटो मोड भी रखा है मैंने फ़ैन मोड, एंड इसमें फ़ैन मोड तो मतलब मैनुअली कर नहीं सकते लीजन में। लीजन में तो मतलब ऑटोमेटिक ही चलते हैं फ़ैन, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस मोड दिए गए हमें। तो नाइट्रो में हमें खाली फ़ैन मोड दिए गए हैं, जो कि मुझे नाइट्रो का ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि ये सब बैलेंस मोड परफॉर्मेंस मोड से अच्छा मुझे फ़ैन कंट्रोल सिस्टम अच्छा लगता है। दैट्स माय पर्सनल चॉइस। दोनों के लैपटॉप के स्पेक्स बिल्कुल सेम है तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी। दोनों राइजन 5 है 4600H। तो हो चुका स्टार्ट, 2 मिनट बाद के फिर मैं आपको टेम्परेचर्स दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखा है बीच में, 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है। डिस्टेंस थोड़ा इसलिए रखा है क्योंकि साइडों के दोनों में वेंट है ना, ये तो आपस में एयर टकराएगी, टकरा तो अब भी रही होगी लेकिन तब भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखा ही है। तो टेम्परेचर आपको मैं दिखाता हूँ, पहले हो जाए 2 मिनट का टेस्ट हो जाए, अभी 9 मिनट हुए हैं। तो 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, 2.5 मिनट हो गए हैं। तो 2.5 मिनट में टेम्परेचर आप देखो तो आपको दिख तो वैसे शायद ही रहे होंगे, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये क्लॉक को मैं हटा देता हूँ, इस पर फोकस हो जा रहा है। तो टेम्परेचर देखो आपको लीजन के ज़्यादा लग रहे होंगे, उसका मैं रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न है। एक बार थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लें। तो ये देखो, तो लीजन का टेम्परेचर देखो 90 टच हो रहा है एंड नाइट्रो 5 का देखो तो 75 मतलब मैक्स 80 गया अभी तक। तो इसका रीज़न ये है, मतलब ये देखो आप पहले नीचे ये वाली लाइन देखो, सीपीयू पैकेज देखो, ये है TDP, ये देखो 53 तक के वॉट की मैक्सिमम गई है TDP एंड इसकी TDP देखो आप जो गई है मैक्सिमम वो गई है 41 वॉट। तो ये कारण है TDP का। तो TDP ज़्यादा इसलिए लीजन की है क्योंकि इसका जो अडेप्टर है ना वो 170 वॉट का है एंड जो नाइट्रो 5 है उसका जो अडेप्टर है वो है 135 वॉट का। तभी नाइट्रो 5 के टेम्परेचर्स कम है। थर्मल सिस्टम वैसे दोनों की अच्छी हैं थर्मल डिज़ाइन की बात करें, लेकिन इन प्रैक्टिकल नाइट्रो 5 के थर्मल्स ज़्यादा बेटर हैं कॉज ऑफ लेस पावर अडाप्टर। तो अब लीजन वालों ने 170 वॉट का दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया। एंड लीजन का आप सिनेबेंच स्कोर भी देखोगे ना तो वो 8600 कुछ आता है एंड नाइट्रो 5 का 800 कुछ आता है, सॉरी 800 कह रहा हूँ, 8000 कुछ आता है एंड 8600 कुछ लीजन का आता है। मतलब स्कोर में भी 500-600 का फ़र्क रहता है दोनों में क्योंकि TDP उसकी ज़्यादा है तो वो परफॉर्मेंस भी आपको देता है। अब परसेंटेज में बात करें तो उसमें आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में, 2-3% या 4-5% मैक्सिमम 5% का परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल सकता है CPU में, बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस में तो सेम ही है। तो अभी देखो कितने मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट्स होने वाले हैं टेस्ट को परफॉर्म किए को, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है 5.5 मिनट रह गए हैं, तो 4.5 मिनट से हो रही है टेस्टिंग। तो टेम्परेचर एक बार मैं आपको रीसेट कर देता हूँ ताकि, एंड फैन नॉइस की बात करें तो नाइट्रो की ज़्यादा फैन नॉइस है।
क्योंकि वो ठंडा भी ज़्यादा कर रहा है। तो 75 डिग्री नाइट्रो एंड हेयर इसका 90 डिग्री पे रेगुलर चल रहा है, 90 डिग्री पे अभी रूम टेम्परेचर। मतलब है, मतलब गेमिंग में तो देखो टेम्परेचर सही रहेंगे, जहाँ पे 100% आपका लोड आ गया तो आपका टेम्परेचर इतना जाएगा। अगर सिनी मैच में जा रहा है, बाकी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो उनसे, मतलब हैवी वाले, तो उसमें टेम्परेचर का 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर आपको पता लग गया। अगर आपका रूम टेम्परेचर अभी 26 डिग्री है तो अभी देखिए कितना डिग्री हो गया, 27 डिग्री है अभी रूम टेम्परेचर। तो इनप्रैक्टिकल मतलब है दोनों के बढ़िया डिज़ाइन वाइज, तो दोनों मतलब दोनों दोनों के साइड पे साइड वेंट हैं, बैक साइड पे भी वेंट हैं, अच्छी तरह एयर इंटेक के वेंट्स हैं, लेकिन इनप्रैक्टिकल नाइट्रो 5 एंड 5% परफॉर्मेंस भी कम है अगर सीपीयू की। जब नाइट्रो 5 नया नया आने वाला था ना, तो यही हाइप क्रिएट हुई थी कि 135 वॉट का अडाप्टर आ रहा है, जिस कारण वो कम ठंड मतलब कम हीट होगा, तो वही रीज़न है यहाँ पे। एंड मतलब अगर आप कंपेयर करते हो परफॉर्मेंस वाइज, सीपीयू परफॉर्मेंस वाइज, तो नाइट्रो 5 की सबसे कम परफॉर्मेंस है इन सीपीयू वाइज, क्योंकि नाइट्रो 5 का स्कोर मैंने जब आपको बताया कि 8000 कुछ आता है एंड A15 का आता है 8200 कुछ, 8200 एंड 8600 लीजन का, कभी 8500। तो ये सब अडाप्टर पे डिपेंड करता है। एंड A15 का यार कितना था वॉट याद नहीं आ रहा, 140 वॉट या 145 या 150 कुछ था, देख लेता हूँ, मेरे को चार्जर नहीं पड़ा है एक्स्ट्रा, लेट मी सी, 150 वॉट का A15 का है, तो तभी रैंक वाइज परफॉर्मेंस आ रही है सबसे कम इसकी, सेकंड पे A15, थर्ड पे लीजन, सीपीयू परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी उसमें रेंडरिंग फास्ट हो जाएगी, गेमिंग परफॉर्मेंस फास्ट मिल जाएगी, वो 1-2 सेकंड का ही फर्क पड़ेगा सभी में, तो ये कोई डील ब्रेकिंग वाली बात नहीं है। इससे आप कोई मतलब इस रैंकिंग से आप कोई चूज ना करने लग जाना कि मैं वो लैपटॉप लूँगा वो नहीं लूँगा, क्योंकि तो इसकी सीपीयू परफॉर्मेंस कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इससे को मैं डिपेंड ना करना, मतलब समझ रहे हो ना। अब देखो ऐसे लीजन का टेम्परेचर कम हो चुका है थोड़ा, 86 पे आ गया, 86। एंड इधर देखो यार, ये तो 80 के ऊपर गया ही नहीं अभी तक, देखो रियल टाइम टेम्परेचर 73 चल रहा है यहाँ पे अभी तक। तो यार इसके एक बार अब अच्छी तरह गर्मी आ जाए ना, मतलब रूम टेम्परेचर 30 डिग्री चले जाए, तब गेमिंग रिव्यू करेंगे, तब पता लगेगा नाइट्रो 5 में कितने टेम्परेचर जाते हैं। ये तो कंपनी से आया हुआ है रीजन, ये तो वापस चले जाएगा, लेकिन इसका मतलब गेमिंग में परफॉर्मेंस, गेमिंग में टेम्परेचर अभी बढ़ गया है इसके, बाकी 100% स्ट्रेस की बात हो रही है यहाँ पे अभी तो। 86 डिग्री, 86 डिग्री मैक्स एंड 45 वाट TDP एंड 34 वाट अगर, मतलब 10 पूरे 10 वाट के TDP का फर्क पड़ रहा है दोनों में। तो टेस्ट को 1-10 मिनट का होने ही वाला है, तो मैक्स टेम्परेचर वॉज 90 लीजन एंड 80 डिग्री मैक्स, वो भी नाइट्रो, वो भी स्टार्टिंग में गया था जब फैन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो जब कंटिन्यूसली फैन फास्ट स्पीड पे चलने लग गए तो वो 75 के ऊपर गया ही नहीं, तो 80 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब 10-10 टेम्परेचर आप मान लो, 10-10 का टेम्परेचर का डिफरेंस मान लो आप। बाकी नाइट्रो 5 तो दे यार स्टॉक में नहीं है यार मेरे हिसाब से, वैसे लीजन 5 से नाइट्रो 5 बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स, कीबोर्ड RGB कोई कीबोर्ड मिल जाता है, बाकी डिज़ाइन एंड बिल्ड में तो देखो लीजन बेटर है, दोनों ही बढ़िया है वैसे यार, जो मिल रहा है ले लो दोनों ही बढ़िया है। तो 40 सेकेंड्स लेफ्ट, ये देखो 29 सेकेंड्स लेफ्ट, सेम है 25 25। फिर आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ, अभी देखो करंट टेम्परेचर जो है ना वो 85 है लीजन का, करंट टेम्परेचर 85 एंड करंट टेम्परेचर 74 नाइट्रो 5,
दिख रहा ना यहाँ पे तो, मतलब लीजन का थोड़ी देर बाद कम हो गया था, कभी लोड कम हो गया होगा। शुरुआत के लोड में 90 तक आराम से पहुंच गया था स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग के 1 मिनट के अंदर ही 90 पहुंच गया था, एंड एक मिनट में 80। ठीक है, उम्मीद है कि आपको किसके टेम्परेचर्स अच्छे हैं वो आपको पता लग गया होगा। 10 मिनट का टेस्ट हो गया एंड 10 मिनट की वीडियो भी होगी। तो फैन नॉइज़ भी आपको बता दी, नाइट्रो की ज़्यादा है, लीजन की फैन नॉइज़ कम है। तो ऐसे अगर लीजन में भी हमें मैक्स मोड फैन करने का दे देते यार, क्या होता, उसके भी टेम्परेचर्स और अच्छे हो जाते। ऐसे नाइट्रो का कूल मतलब फ़ैन सिस्टम अच्छा लगा मुझे कंट्रोल करने का। तो रीज़न आपको बता दिया क्यों कम था, स्कोर्स ना देखना, जो स्कोर्स आया वो ना मानना क्योंकि स्कोर्स 10 मिनट के टेस्ट के हैं तो वो एक्यूरेट नहीं है, एकदम से लोड डाला था। चलो, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।